तो कोरोना में क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका टेस्ट कैसे होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको वो भी संकेत बताएंगे जिसके जरिए आप कोरोना के लक्षण को आसानी से समझ पाएंगे। चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी बुहार में पैर पसारने वाले जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में विश्व के 113 देश आ गए हैं और दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 4,623 हो चुकी है, जबकि 1,25,841 लोग इस वायरस से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में भी यह धीरे धीरे पैर फैलाने लगा है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अभी भी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित चीन और दूसरे नंबर पर इटली के लोग हैं। भारत में भी इस वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन हल्का फुल्का सर्दी जुकाम या सामान्य फ्लू भी लोगों को डरा रहा है। लोगों को लगता है कि कहीं वह भी कोरोना वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए। लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं। दरअसल ज्यादातर वायरल और मौसमी बीमारियों की शुरुआत खांसी, जुकाम, गले में खराश से होती है। ये सारे लक्षण सामान्य फ्लू, सर्दी जुकाम या फिर कोरोना के भी हो सकते हैं। हकीकत ये है कि इस इन्फेक्शन में अंतर होता है। जब मौसम बदलने लगता है तो हम में से ज्यादातर लोग सर्दी जुकाम या सामान्य वायरल या फ्लू की चपेट में आ जाते हैं। वैसे इन्हीं के जैसे लक्षणों से कोरोना वायरस की भी शुरुआत होती है। हाल ही में WHO और विशेषज्ञों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि आखिर कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है, साथ में खूनी खांसी हो, सांस लेने में अब दिक्कत महसूस कर रहे हो, मांसपेशियों में दर्द महसूस कर रहे हो, साथ ही थकान आपको लगातार घेर रही हो, या फिर ये भी कोरोना वायरस के संकेत हो सकते हैं, आपको बलगम लगने लगे, बलगम से खून आए, लगातार सिर दर्द महसूस हो, साथ ही पेट खराब रहे और दस्त होने लगे, ये कोरोना के संकेत नहीं है। आपकी नाक बह रही हो, गले में आप भारीपन या खराश महसूस करें, इन संकेतों के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आप में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।